जिसकी साउंड है वो बंद हो चुकी है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। देखा आपने, अनलॉक किया तो भाई इसमें आवाज नहीं आई है। टायर आ गया है बाहर। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो जैसे कि आपको पता है भाई, आपके भाई के पास है किया सोनेट HTK 1.2 पेट्रोल। तो इसके अंदर जो है बहुत से भाइयों का डाउट है भाई, इसकी जो हॉर्न साउंड है वो कैसे ऑफ करें। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं, लॉक और अनलॉक, तो ये जो साउंड है भाई ये कैसे ऑफ करें, तो इस वीडियो में मैं आपको कवर करने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ। और दूसरी चीज़, एक भाई का कमेंट आया था एल लेजेंड के नाम से, भाई वो हर वीडियो में कमेंट करते हैं और फर्स्ट व्यू करके उनका जो कमेंट आता है वो भाई दिल को छूने वाली चीज़ है। हर वीडियो में उनका फर्स्ट व्यू से कमेंट आता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं भाई, उनका कहना ये है, जो ये व्हील कवर आप देख सकते हैं जिसके ऊपर लगा हुआ है, पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ भाई, ये स्टाइल रिम है, ना कि भाई ये अलॉय व्हील्स है, ठीक है। तो उनका ये कहना है भाई, इस व्हील कवर को हटा के दिखाओ और इसके पीछे का जो राज है वो कैसा है। लगता है ये पूरा देखने में अलॉय है और आई कैची लुक लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो इसका अलॉय है वो कैसे देखने में लगता है, और दूसरा भाई जो अपनी साउंड है इसको कैसे ऑफ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज़ जल्दी जल्दी 5000 सब्सक्राइबर करा दो यार। तो भाई जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है हमें इसका ये जैक मिल जाता है। जैक भी अभी तक यूज़ नहीं हुआ है, एक बार भी टायर पंचर नहीं हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। भाई भाई की डिमांड है तो करना तो पड़ेगा ही भाई, अपने भाई हैं यार, कमेंट किया है उन्होंने, इतना टाइम हो गया भाई, दिल से बोल रहा हूँ सॉरी यार उसके लिए कि बहुत लेट आ रही है वीडियो, बट फाइनली यार आपके लिए वीडियो लेके आने तो बनती है। तो अभी जैक लगाते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो स्पेस है ना, ये हमें जैक लगाने के लिए दिया जाता है, आप पीछे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो भाई प्लीज़ जैक लगाते टाइम ना प्लीज़ ध्यान देना, और ये जो चीज़ है ना प्लास्टिक, यहाँ पर मत लगाना भाई, यहाँ पर इस जगह पर लेना जो ओपन स्पेस है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चीज़ जो है ना इसमें ऐसे घुस जाती है, ठीक है। और जैक लगाते टाइम बिल्कुल ध्यान देना भाई, मैं खुद ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। अभी लगा लेते हैं फिर दिखाता हूँ। तो भाई देख लो कितनी मेहनत लगती है भाई, से जैक नहीं उठ रहा इसका यार, गाड़ी भारी इतनी है कि भाई देख लो, घुमाने का जो तरीका है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जैक लगा हुआ है अपना नीचे की तरफ। तो अभी भी टायर में जो है बिल्कुल भी भाई उठानी है, देख लो, ठीक है। पता नहीं भाई कब उठेगा, हम तो उठाए जा रहे हैं। मैंने एक चीज नोटिस करी यार, इसके हर एक स्पेयर पार्ट में ना भाई देखो, हुंडई और किया का लोगो है यार, मतलब हर चीज में भाई हुंडई और किया जो है ना दोनों मिलके काम कर रही है, ये बहुत अच्छी चीज लगी भाई मेरे को। पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ भाई, अपने ये बोल्ट खुल रहे हैं जो भी होते हैं सारे के सारे, बोल्ट खुलने के बाद जब जाके व्हील कैप निकालता है, तो भाई देख लो ये व्हील कैप निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी है, पहले जैक नहीं लगाया है उसके बाद फिर ये व्हील कैप निकालने की कोशिश की जा रही है। मैं पूरा टायर ही निकाल के दिखाऊंगा भाई कैसा दिखने को लगता है, मैं खुद एक एक्साइटेड हूं। तो भाई एट द एंड अपना टायर आ चुका है बाहर, अब देख लो भाई टायर आ गया है बाहर। पहले मैं आपको उसका पीछे की लुक दिखा देता हूं। देखो भाई पीछे से देखने में ऐसा लगता है, ठीक है, आपको आगे से देखने में नहीं लगेगा बिल्कुल भी कि भाई ये अलॉय व्हील नहीं है। अब पीछे से मैं बात करूं तो भाई पीछे से दिखा दो, तो भाई देख लो बीच में आपको किया का लोगो मिल जाता है और आगे से ऐसा लगता है कि अलॉय व्हील है। अब बारी है भाई इसको हटाने की, तो ये हट गया है भाई, देख लो भाई ऐसा देखने को लगता है, ठीक है। और दूर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो इसका लुक है कैसा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना भाई कैसा देखने में मिलता है। वैसे लगता तो थोड़ा बहुत अलॉय व्हील वाला ही लुक है, ग्लोसी ब्लैक में आपको उसका पेंट मिलता है, ठीक है, बाकी भाई गंदा ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पर भी आप देख लो, जैसे कि मैंने भी आपको दिखाया था किया और हुंडई का साथ में लोगो है, तो ये भी एक देखा जाए तो सारे स्पेयर पार्ट पे आपको किया और हुंडई लिखा हुआ मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, ठीक है। अब आपने देख ही लिया होगा भाई, ये इसका व्हील कवर है। तो जो भाई एल लेजेंड करके जो भाई का नाम था, जो भाई बहुत दिनों से बोल रहे थे, तो भाई आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब टायर को दोबारा लगाते हैं भाई, ठीक है। तो भाई इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, आप ही के लिए स्पेशली वीडियो बनाई है, और अभी तक गाड़ी में एक भी पंचर नहीं हुआ है, और भाई देख लो गाड़ी अभी भी जैक पे खड़ी है, ठीक है। तो एक दिल से कनेक्शन वाली बात है भाई, आपके लिए करना पड़ता है, ठीक है। और सस्पेंशन वाइज का रिस्पॉन्स जो है भाई, ये भी देख लो भाई, इसका जो सस्पेंशन है कितना हैवी मिलता है, ठीक है, ऐसा इसको कुछ रिस्पॉन्स है, ऊपर से भी दिखा देता हूँ। तो गाइज चलिए अब इसको लगाते हैं, उसके बाद मैं मिलता हूँ। तो गाइज अब गाड़ी का जो टायर है हमने लगा दिया है भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इसको खोलने में, बहुत भारी भी है यार ये टायर, मैं खुद अपना एक पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अब बारी आती है भाई इसकी जो साउंड है इसको लॉक कैसे करते हैं, तो भाई पकड़ना। तो भाई देखो इसको लॉक करने के लिए आपको क्या करना है, अभी जो आवाज़ आ रही है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है।
आपको ये लॉक का जो बटन दिख रहा है और अनलॉक का जो बटन है, इन दोनों को साथ प्रेस रखना है, ठीक है। और गाड़ी का जो इंडिकेटर पे भी आप ध्यान रखना, 5 से 6 सेकंड लगेंगे, ठीक है। अभी आप देखते रहो भाई, ठीक है। ये देखो आपने 5 सेकंड बाद ये 4 बार ब्लिंक करता है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक्टिवेट हो गया है। जो इसकी साउंड है वो बंद हो चुकी है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। देखा आपने, अनलॉक किया तो भाई इसमें आवाज़ नहीं आई है। अब इसी को ही अगर आपको एक्टिवेट करना है तो कैसे करना है, दोबारा से आपको लॉक एंड अनलॉक पे जो है प्रेस करके दबाए रखे रहना है। वही 4 बार ब्लिंक करेगा 5 सेकंड के अंदर अंदर, देखते रहो, ठीक है भाई। 4 बार इंडिकेटर फ्लैश करें तो इसका मतलब क्या है, ये एक्टिवेट हो गया है दोबारा से अपना, देख लो भाई, ठीक है। तो गाइस बस यही था इस वीडियो के अंदर, और आपको अच्छे से पता चल गया होगा। एक तरीके से आप इसकी की हिडन फीचर के ऊपर भी आप मांग रहे थे एक वीडियो, तो आप उसको भी ये कह सकते हैं कि एक की हिडन फीचर के ऊपर भी वीडियो प्रॉपर बन गई है। तो गाइस बस यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। करना पड़ता है भाई, करना तो पड़ेगा ही, पब्लिक की डिमांड जो है। देख लो भाई कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। सबको लगता है कि भाई ऐसी वीडियो बन जाती है,